लेक्चर नंबर 10 में हम आज आपको तिहाई खुलासे के बारे में बताएंगे कि तिहाई खुलासा क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाता है। तो पेपर में ये सवाल भी लाजमी आता है, पैराग्राफ लिखा होता है और उसका तिहाई खुलासा लिखना होता है। तो ये सबक नंबर 7 है, शहरी दफा, उसमें से एक पैराग्राफ लिया हुआ है, उसका आपने तिहाई खुलासा लिखना है। तिहाई खुलासे का मतलब है कि उस पैराग्राफ का आपने तीसरा हिस्सा लिखना है, उस पूरे पैराग्राफ को आपने मुख्तसर करके 2 या 3 लाइनों के अंदर उसका निचोड़ बयान करना है जो उस पूरे पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले ऊपर लिखना होता है, नीचे दी गई अबारत को गौर से पढ़ें और एक तिहाई खुलासा लिखें, फिर पैराग्राफ की हेडिंग होती है और पैराग्राफ लिखा होता है, उसका आपने तिहाई खुलासा लिखना होता है। पैराग्राफ है, अब्बा जान ने फोन पर बताया कि इसके लिए उसे इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत लेना पड़ेगी। इब्तदाई तिबी इमदाद, जो मरीज को फौरी तौर पर इमदाद दी जाती है उसको इब्तदाई तिबी इमदाद बोलते हैं। इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत के लिए हुकूमत ने महकमा शहरी दिफा कायम कर रखा है। ये इदारा किसी भी हादसे की सूरत में जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करता है। शहरी दिफा के इदारे ने इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत फराहम करने का मकूल का मतलब मुनासिब इंतज़ाम कर रखा है। हर सेहतमंद शख्स को रजा कराना तौर पर इसकी तरबियत हासिल करनी चाहिए। ये है इसका तिहाई खुलासा, कि उसको आपने मुख्तसर करके 2 या 3 लाइनों के अंदर लिखना है। तिहाई तीसरा हिस्सा, जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के लिए महकमा शहरी दिफा से तरबियत लेनी पड़ती है। हुकूमत ने ये इदारा इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत देने के लिए कायम कर रखा है। हर शख्स को तरबियत लेनी चाहिए, ये इसका तिहाई खुलासा है। उस पूरे पैराग्राफ का जवाब आपने 2 और 3 लाइनों में लिख दिया है, इसको तिहाई खुलासा कहते हैं।